भारत ने रविवार को नागपुर में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में बांग्लादेश को 30 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। मैच में हैट्रिक बनाने के साथ 6 विकेट लेने वाले दीपक चाहर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज रहे। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार को भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला गया। मैच में टॉस बांग्लादेश ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और 3 रन के स्कोर पर ही उसका पहला विकेट गिर गया। इसके बाद भारत ने संभल कर खेला और निर्धारित 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए और बांग्लादेश को जीत के लिए 175 रन का टारगेट दिया। भारत से मिले 175 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत भी खराब रही और 12 रन के स्कोर पर उसके 2 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद मोहम्मद नईम ने टीम को संभाला और टीम के स्कोर को आगे ले गए। बाद में दीपक चहर और शिवम दुबे ने अपनी गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश की पूरी टीम को 144 रन पर आउट कर मैच 30 रन से भारत के नाम कर दिया। मैच में दीपक चहर ने हैट्रिक के साथ कुल 6 और शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए। मैच में 6 विकेट लेने वाले दीपक चहर मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।